मार्गरेट, मुझे बताओ मैं आखिर इसका क्या करूं? डॉक्टर ने हमें ऑर्डर दिए हैं, सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं। मैडम, वो डॉक्टर पाखंडी है, बकवास करता है। उसके पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनना छोड़ दो, अजीब है। मुझे ब्रेड दो प्लीज। पहली बात तो इसे टोस्ट नहीं किया, और दूसरी बात पीनट बटर और जैम नहीं है। मुझे बताओ मैं इसे अपने गले में कैसे उतारूं? अरे यार, तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं कि वो किताब वाली रेसिपी देखना बंद करो और सबसे पहले पीनट बटर जेली सैंडविच बनाना सीख लो। तुम मुझसे ऐसे बातें करोगे तो मैं तुम्हारे लिए सैंडविच कभी नहीं बनाऊंगी। क्या कहा तुमने? ये क्या था? ग्लोबल हेल्थ एजुकेशन कंसोर्टियम के हिसाब से वायलेंस के कई सारे सोशल कारण हैं। पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, कल्चरल नॉर्म्स, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वायलेंस के मुख्य कारण को एक्सप्लेन नहीं करते। टेक्सास वर्सेस जॉनसन। एड जॉनसन का फर्स्ट डिग्री मर्डर हुआ जब उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथ जो दूसरा लड़का था उनकी डेथ हुई। इस क्राइम की नजाकत और विक्टिम की उम्र को देखते हुए प्रोसिक्यूटर्स उसे डेथ पेनल्टी देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि एड 18 साल का हुआ नहीं था, जज ने सजा नहीं दी। अच्छे बर्ताव की वजह से उसे 5 साल की सजा के बाद छोड़ दिया गया। एक हफ्ते तक ध्यान रखने के बाद एड को रूटीन ट्रैफिक स्टॉप पर पुल ओवर किया गया और पुलिस को उसकी कार की डिक्की में 9 साल की छोटी बच्ची का सर मिला। एड को मौत की सजा सुना दी गई, और ऐसा होना भी चाहिए था। अगर एड को पहले 2 गुनाहों के बाद ही सजा दे दी गई होती तो बेचारी बच्ची की जान बच जाती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक मेंटल इलनेस या न्यूरोलॉजिकल डिसीज की कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो क्या वो वायलेंट ही पैदा हुआ था? अब अपने आप से पूछिए, वायलेंस कहां से शुरू होता है? इसके बिना रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते। आगे के वायलेंट एक्ट रोकना तो भूल ही जाइए। हाँ, लेकिन वायलेंस हमारी सोसाइटी में इतना घुल गया होगा कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल होगा। समझ में आया? मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि हम वायलेंस की इस बीमारी से हमारे देश को मुक्त नहीं कर सकते। ऐसे सिस्टम में भी जहां मौत की सजा मौत है। ओके, तो क्या कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन और एक्ट ऑफ वायलेंस आपके हिसाब से विक्टिम के रिश्तेदारों की कृपा से होगा? क्या जान लेना हमेशा से ही वायलेंट नहीं है? अच्छा, मैं चाहती हूँ जब आप इस केस को पिक करें तो इसके बारे में सोचिए, छुपे हुए मूव्स और क्लूज को ढूंढ निकालिए जिन्हें हमने मिस किया, और अगर वो मिस नहीं होते तो क्या ये ट्रेजेडी होने से बचती? और हमेशा ऑब्जेक्टिव रहिए, इस सिचुएशन के सही इम्पार्शियल नतीजे पर पहुंचने का यही तरीका है। ओके, क्लास डिसमिस्ड। और आप कौन? बेन वुड्स, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। मेरे लिए प्लीज एक केस पर कंसल्ट कीजिए। उसका नाम है जैक शे, अगले 72 घंटों में एग्जीक्यूट होने वाला है। यहां पर इलेक्शन है, इसलिए गवर्नर कैपिटल पनिशमेंट को लेकर स्टेट की पोजीशन को री इवेल्युएट करने के प्रेशर में है। हाँ, लेकिन लॉ की बारीकियां मेरी स्पेशलिटी नहीं है। मैं यहाँ लीगल एडवाइस के लिए नहीं आया हूँ मैडम। डॉक्टर, माफ करना, आपने न्यूज देखी होगी, प्रोटेस्टर के नेशनल फोकस की वजह से गवर्नर पीछे रह गए। अब अगर ऑफिशियल रिव्यू के बगैर एग्जीक्यूशन शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ा तो गवर्नर को अगला टर्म जीतने का मौका नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप उनसे बात करें, उन्हें अपना प्रोफेशनल ओपिनियन दीजिए, इसे अपनी सिविक ड्यूटी समझिए। शायद, सिर्फ शायद, आप किसी की जान बचा सके। मेरा कार्ड और नंबर दोनों है इसमें। ए, बंदर तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। ए, बंदर मेरे पीछे है तो क्या हुआ? मैं बंदर से नहीं डरता। चलो छोटे बच्चों, अभी खेलने का टाइम है। नहीं। मामी। हाय बेबी।
तुम्हारे सोने का वक्त हो चुका है ना? नानी ने कहा मैं सोने से पहले एक और शो देख सकती हूँ। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ हाँ, पता है इस शो के सारे एनिमल्स जू में रहते हैं। क्या हम जू चल सकते हैं मम्मी? वेल, मेरी बात सुनो, अभी तुम ऊपर जाओ, दांत ब्रश करो और पूरे हफ्ते के लिए गुड गर्ल बनो, और फिर हम अगले हफ्ते के लिए चलेंगे, ठीक है? ऊपर जाओ, ब्रश कर लो और तुम्हें सुलाने आती हूँ। क्या नानी मेरे लिए कहानी पढ़ सकती है? प्लीज प्लीज प्लीज। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। चलिए नानी, हम चलते हैं। थैंक्स मॉम। कोई बात नहीं। किचन में तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ है। थैंक यू। गुड नाइट मम्मी, लव यू। गुड नाइट, आई लव यू। मुझे लगा तुमने 3 महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी। एली दुखी हो गई कि तुमने उसके लिए खाना नहीं बनाया। मैं जानती हूँ कि उसे पता है मैं पहुँच नहीं पाई, उसे स्कूल से पिकअप करने के लिए। थैंक्स। कोई बात नहीं। यहाँ आओ। थैंक यू। देर रात तक मत जागना। नहीं मॉम। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। हे बेन, डॉक्टर टाइलर बोल रहा हूँ। डॉक्टर टाइलर। मैं करूँगी। आई मीन, मेरी कुछ कंडीशंस हैं। हमारा सेशन प्राइवेट होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इंटरव्यू रूम में करें। हमें ऐसी जगह रहना होगा जहाँ वो कंफर्टेबल हो, जहाँ वो चल फिर सके। अगर उसे हम पर यकीन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हेलो मैम। थैंक यू। आइए।
टिक टॉक टिक टॉक। तुम्हें कोई मदद चाहिए डॉक्टर? अगर तुम मुझे डॉक्टर टाइलर या अमांडा बुलाओगे तो बेहतर होगा। प्लीज बैठ जाओ। रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताओ। जैक्सन माइकल शे। इनमेट 78011। इसका क्या मतलब है डॉक्टर? ये जानते हुए कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता इससे मुझे कोई फायदा हो रहा है। मेरा प्लान है कि मैं तुम्हारे इस वायलेंस की तह तक जाना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन स्टोरी जो मुझे जानवर बुलाती हैं? मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। तुमने कुछ पेपर पढ़े? किसी जेल ने मेरे पेपर हैक किए, मुझे कुछ कागजात दिखाए और लोगों को ये बताने के लिए कि मैं पागल हूँ उसके बारे में लिखा। तुमने वो बकवास पढ़ी और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानती हो? डॉक्टर, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम सही हो जैक, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, और अगर जानती तो मैं यहाँ अपना और तुम्हारा वक्त जाया नहीं करती। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है? आखिर तुम यहाँ करने क्या आई हो? मुझे वायलेंस के बारे में जानना है। अगर मुझे वक्त जगह वजह का पता चले तो शायद मैं इस साइकिल को रोक सकती हूँ। अभी तो हमें बहुत जरूरी डिसीजंस लेने हैं, है ना? तो हम शुरू क्या करते मेरी हैं? माँ के दूध से क्या मुझे इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में अच्छी जिंदगी जीने के लिए सही पोषण मिला? मिला था? डॉक्टर, क्या तुम कहानी सुनने के लिए तैयार हो? ₹1985 गर्मियों के दिन थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम मेरे अंकल माइक के यहाँ ट्रेलर में रहने चले गए। कभी कभी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उस ट्रेलर की खुशबू महसूस होती है। कुछ बड़े भालू यहाँ आए और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। और वो इस जगह पर आए थे अपने दोस्त को ढूंढने, और इन्होंने ये सोचा कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइन पर चल रहे हो या स्क्वायर पर। तुम्हारा फोन है सिंथिया। थैंक्स माइक। ठीक है, तुम्हारे अंकल माइक अब आगे की कहानी तुम्हें पढ़कर सुनाएंगे। गुड नाइट मम्मी। हे अंकल माइक, तुम अपने बर्थडे बेड टाइम स्टोरी के लिए तैयार हो? (गण)
हमेशा ऊपर वाले के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब मेरे अंकल माइक अंदर आकर मुझे बेडरूम की कहानियां सुना रहे थे जो मैं सुनना नहीं चाहता था, तब वो ऊपर वाला कहाँ था? सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे, अब तुम ऊपर वाले के दरबार में हो। मुझे बताओ क्या बात है। तुम्हारी मां ने इस खबर पर कैसे रिएक्ट किया? तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। वैसे शे, काश मैं यहां अच्छे काम के लिए आया होता, मुझे माफ करना, लेकिन यह आपके भाई और बेटे के बारे में है। पर आखिर बात क्या है? क्या आजकल आपका बेटा अजीब तरह से पेश आता है, उसका बर्ताव अजीब लगता है? मेरा बेटा एक अच्छा लड़का है। हाँ बिल्कुल है, पता नहीं मैं कैसे कहूं, बस कह देता हूं, मुझे लगता है कि आपका भाई आपके बेटे को गंदे तरीके से छू रहा है। मेरे बेटे को गंदे तरीके से छू रहा है? वो आपके बेटे को मोलेस्ट कर रहा है मिसेस शे। ये सच नहीं है। माफ कीजिएगा, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानती इसने ये कहां से सीखा, लेकिन ये सच नहीं है। आपके बेटे ने मुझे बताया। माफ कीजिएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। आप बातें बना रहे हैं, अपनी झूठी बातें और कहानियों के साथ यहाँ से निकल जाइए। आप निकल जाइए, यहाँ से निकल जाइए, अभी मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाइए, मेरे घर से बाहर निकल जाइए। निकल जाओ, निकल जाओ। तुम्हारी झूठी बातें और कहानियाँ, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। आपने मेरे बेटे के साथ क्या मैं किया? विक्टिम था, लेकिन शायद जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, मुझे लगा कि मैं भी उसमें शामिल था। मेरे घर से बाहर निकल जाइए। मुझे माफ कीजिए, गॉड आपकी रक्षा करे। ये मेरा घर है, मेरा ही घर है। मेरे घर में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। सिंथिया शे ने अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया था, शायद दुख की वजह से। तुम्हें क्या लगता है, मैं बचपन से ही एक क्रिमिनल बनना चाहता था या मैं इतनी जल्दी इसके बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकती। तो तुम्हारा प्रोसेस क्या है? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें फ्लैग सिस्टम पता है, तो मैं देख रही हूँ कि कहीं मुझे रेड फ्लैग दिखता है या नहीं, और शायद इसी तरीके से ये वायलेंस रोका जा सकता है। तो तुम्हारे अंकल के बारे में बातें करते हैं। मैं 17 साल की उम्र तक उनके साथ ही रहा। मेरे बड़े होने के बाद अंकल माइक ने अपना ध्यान उस लड़की के बेटे की तरफ मोड़ लिया जिसके साथ वो थे। उन्हें कोई शक नहीं हुआ, उस छोटे से बच्चे के पीछे भागते समय देखकर अचानक मेरे अंदर कुछ हुआ। Hey!
मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे मैं मुक्त हो गया हूं। मुक्त? तभी मुझे लगा कि वो सारी चीजें मेरे हाथ में आ गई हैं जो मुझे गाइड करती थी। उससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं था। तुम उन्हें अस्पताल पहुंचाए बिना भी रोक सकते थे ना, लेकिन उसके बदले तुमने गुस्से को चुना। तुम्हें समझ में नहीं आता डॉक्टर, हम सब पिंजरे में बंद जानवर हैं, सिर्फ उनके जैसे बर्ताव नहीं करते। आपका वक्त खत्म हो चुका है। फाइटर्स और लोगों का कहना है कि सूखे के कारण आग का असर और भी दुगना हो गया है और लोगों और जानवरों पर अब भी खतरा बना हुआ है। आग से लड़ने की कोशिश अब भी लगातार जारी है। 15% आग को काबू में कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए टेक्सस इनमेट जैक्सन के होने वाले शे कैपिटल पनिशमेंट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। इस केस के बारे में लोगों की राय दोनों तरफ से है, इसलिए गवर्नर ने कहा है कि शायद शे की सजा पर डॉक्टर अमांडा टाइलर, जो कि एक जानी मानी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मान्यता से स्टे लाया जा सकता है। गवर्नर ने यह भी कहा है कि डॉक्टर टाइलर से मिली जानकारी पर ही टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कोई भी एक्शन लेगा। सारे शहर की नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। तुम तैयार हो जैक? जज ने मुझे चॉइस दी थी, मैं या तो मिलिट्री स्कूल जा सकता हूँ या जुविनाइल जेल में। उसके बाद मैंने बेसिक ट्रेनिंग की, स्नाइपर स्कूल में सिलेक्ट हुआ क्योंकि मेरा विजन 2010 था और मैं मार्क्समैनशिप में अव्वल था। लेकिन तुम्हारी फाइल में तो लिखा है कि तुम्हें मिलिट्री स्कूल से निकाल दिया गया और इसकी वजह से तुम्हें 18 महीने जेल में रखा गया। हमारी हर करतूत के परिणाम होते हैं जैक। एक्शन रिएक्शन एक्शन। तुमने अपने अंकल को हॉस्पिटल पहुंचाया, रिएक्शन तुम्हें 18 महीने जेल में रखा गया। 18 महीने 12 महीने ही रहा। तो फिर ये क्या था, सिस्टम के फेल होने का एग्जांपल? तुम्हें लगता है तुम लॉ से बढ़कर हो? तुमने कभी इंश्योरेंस कंपनी के साथ चीटिंग की है डॉक्टर? एक पेशेंट को बिल देकर कैश लिया और उसके लिए क्लेम किया, हम लोग उसे डबल बैक बिलिंग कहते हैं। इन मशीनों को जगह पर लाया जा चुका है, अब इनकी टेस्टिंग लगातार जारी है। अब देखना ये है कि ये मशीनें आखिर कितनी कारगर हैं। सुनो, क्या तुम मुझे थोड़ी ड्रिंक दे सकती हो? ठीक है मार्टिन। मैं जेल में मार्टी से मिला था, ऐसा कहते हैं कि वो जाना माना था। जब मैं बाहर निकला उसने मुझे जॉब ऑफर की, क्योंकि तुम जानती हो एक कौन को और कौन जॉब दे। मेरी बात सुनो बेटे, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स, लॉयर्स, डेंटिस्ट और बहुत सारी कैश की जो कभी IRS तक नहीं पहुंचती। पुलिस के पास उसके मिसिंग की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। वो अपने पैसे अपने ऑफिस के कोट क्लोज में छुपा कर रखते हैं या फिर बेड के नीचे शू बॉक्स में। एक लॉयर था, उसने $25,000 एक कॉफी कैन में माइक्रोवेव के अंदर छुपाए थे। यहाँ पर एक बात पता चलती है। हाँ, एक बात तो है कि जो पागल ऑफिसर मेरे पास है उसे एक नाइट जॉब मिली ऑफिस बिल्डिंग की क्लीनिंग की। Hey, इसे कहो सेकंड फ्लोर के शॉप में सफाई करनी है। मुझे क्या करना है, लॉग पर साइन करो। तुम्हें हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओह सच में? तुम्हारे अंदर एक हिम्मत नहीं? लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। हाँ, देख लेंगे। अब इन बिल्डिंग्स में से एक में एक गायनोकोलॉजिस्ट रहता है जो औरतों को डिस्काउंट देता है, जो उसे कैश देती हैं और फिर उनके इंश्योरेंस कंपनी को बिल करता है। वो रहा,
उसके पास एक क्लोसेट है जिसमें उसने पैसे रखे हैं। और इस क्लोसेट में कितने पैसे होंगे? पता नहीं, हमें खोल कर देखना होगा। वो डॉक्टर बिल्कुल पागल है, उसने अपने लिए एक वॉल सेफ लिया है, उसने दीवार पर नहीं लगाया। तुम्हारे पास हथौड़ा है क्या? तुम क्या कर रहे हो? छुरी लेकर आओ, जाओ जल्दी, कम ऑन नीचे जाओ, वहां पर पड़ा होगा, देखो, कम ऑन। यस, जब तक हम खोलते नहीं हमें पता नहीं चलता। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जब कोई ऑफिस में इस तरह की सेफ रखता है तो मैं सच कहता हूँ, इसके पीछे कोई खास कारण होता है। यस, देखा ना, जैसे मैंने कहा था वैसा ही। चलो इसे पैक करो और बाहर निकलो, हमारे घर पर हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? जो मैं कहता हूं करो, अगर तुम वो करोगे तो हम बहुत अमीर होंगे। हेलो, आपने साइन आउट नहीं किया? ओह सॉरी। मैं गरीबी में पला बढ़ा था, लेकिन तब मैंने उतने पैसे देखे जितने मेरी मॉम एक साल में भी नहीं कमा पाती थी। $16,400। चलो आधा ले लो। आधा? हाँ, हम पार्टनर हैं, आधा ले लो, पार्टनर से यही तो करते हैं, बिल्कुल आधा आधा। चलो ले लो, ले लो, ले लो। जब तक तुम रूल्स को फॉलो करोगे हम अमीर होंगे। सबसे पहला रूल, तुम्हें कहीं हाथापाई नहीं करनी है, तुम्हें उनकी नज़र में नहीं आना है। तुम्हें चोरी के पुलिस के बारे में पता है, वो उन्हें ढूंढते हैं जो चोरी वाले दिन ही गली में रोलेक्स घड़ी पहनकर घूमते हैं। जब वो तुम्हें देखेंगे तुम पकड़े जाओगे। मेरा मतलब, तुम कभी कभी अपने लिए नए जूते खरीद सकते हो, लेकिन अगर तुम सिल्क का सूट पहनकर बाजार में घूमोगे तो तुम पूरी जिंदगी जेल में रहोगे। मेरी बात समझ गए ना बच्चे? हाँ, मैं कहूंगा कि अच्छी तरह से समझ गया हूं। तुम्हें कॉफी पीना बंद करना चाहिए, उसे खोलो, तुम्हारे पेट में बड़ा छेद हो जाएगा। कॉफी शरीर के लिए बुरी होती है, तुम्हारी नसों के लिए भी। इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हें कॉफी बंद करनी होगी। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, समझ गए ना? हमारे आगे पूरी जिंदगी है, यहां कोई गुनाह नहीं है। कौन कहता है गुनाह हमें पैसे नहीं दिलाता? सैल्यूट। मैं एक स्टूडेंट था, मार्टी मेरा टीचर था। हम दोनों ने मिलकर तीसरा काम खत्म किया। उसके बाद मार्टी ने मेरा एक टेस्ट लिया अपने आप मार्क ढूंढने का, तो मैंने कुछ लोकल डेंटिस्ट देखे। एक्चुअली डॉक्टर, मेरे पास कोई इंश्योरेंस कार्ड नहीं है, क्या आप कैश के लिए डिस्काउंट देते हैं? नहीं हो सकता, इंश्योरेंस कार्ड ही लेते हैं। मुंह खोलिए, लगता है आपको कैविटी है। तीसरे डेंटिस्ट तक पहुंचने तक मेरे मसूड़े सूजे हुए थे और मेरे दांत गिरने ही वाले थे, लेकिन उस दिन पूरे शहर में मेरे दांत सबसे साफ थे। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ हो। तुम एक दिन में कितनी बार अपने दांत साफ करवा सकते हो? ये लो, हो गया। डेंटिस्ट, गुड आफ्टरनून, सनशाइन डेंटल में कॉल करने के लिए शुक्रिया। हेलो, क्या आप सीनियर सिटीजन को कैश डिस्काउंट देते हैं? हाँ सर, देते हैं। ओह, देते हैं। क्या आप कैश पेमेंट पर डिस्काउंट देते हैं? ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट? तो इस कहानी का सार क्या है बच्चे? चलो अब येलो पेजेस पर तुम अपनी उंगलियां घुमाओ। ये क्या है? ये क्रिसमस प्रेजेंट है। ये तो ऐसी डील लग रही है जिसे देखकर हमें उस पर विश्वास ही नहीं हो।
हमें पता नहीं सेफ में क्या होगा जब तक हम उसे खोलते नहीं, राइट? चलो, यहाँ बैठ नहीं सकता मैं, मुझे काउच बिल्कुल पसंद नहीं है, पता है? मेरे इस पर बैठने से पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे उस पर सोने से पहले। लियो फ्रैंक, एक लॉ अटॉर्नी, मार्टिन के पुराने दोस्त से एक टिप मिली जो अभी भी जेल में है और बाहर निकलकर उसे उसमें हिस्सा चाहिए था। मार्टिन ने उसके लिए 20% रखा था। बिल्कुल सही वक्त पर हो। ठीक है, हम बिल्डिंग के साइट के मेंटेनेंस से दूर हो जाएंगे। चलो। सेफ कहाँ है? वो रहा, बार के पीछे, जैसा उसने कहा था। अब अगर सेफ को वायर नहीं किया तो सेफ लगवाने की तकलीफ क्यों की? जो वास्तव में है ही नहीं उसे नजरों के सामने क्यों लाना? तुम्हें इस पर यकीन है? शिट। क्या? बैटरी डेड हो गई। मजाक मत करो। बैटरी डेड हो गई। आई मीन टॉर्च में है एक, क्या इससे नहीं, काम हो जाएगा? इसके लिए बैटरी चाहिए। शिट। मुझे कुछ मिला है? इसे मेरे सामने मत लाओ, ये घटिया है। तुम्हें पता नहीं वो कहां कहां से होकर आया है। तुम्हें पता भी है? दरवाजे पर ध्यान दो। जल्दी करो माठी। ठीक है। तुम्हें पता है मोशन फॉर डिस्कवरी का मतलब प्रोसिक्यूटर और डिफेंडेंट को उस केस के सारे एविडेंस और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने पड़ते हैं? फ्रेट शैंपेन, $660,000, दो हिस्से और 20% निकालेंगे तो ये कितना बड़ा काम है, कोई अंदाजा है तुमको? बाप रे, क्या क्या? पता नहीं माठी, पर मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कम सेफ में इतना कैश होता है जो कि किसी खास काम के लिए नहीं होता। क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागल हो गए? मैं सच कह रहा हूं मार्टी, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं ये पैसे लेकर चलूंगा। बच्चे, तुम क्या बोल रहे हो? हम वापस नहीं रख सकते। हम पैसे लेकर एक बीच पर कॉन्डो ले जाते हैं और लड़कियों के साथ शफल बोर्ड खेलेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, मैं एक डील करता हूँ। मुझे एक हफ्ता दो, मैं बंदोबस्त करता हूँ और फिर मेरा टेक्सास में एक दोस्त है, मैं तुम्हारी और उसकी पहचान करवाता हूँ। हम ये पैसे लेकर शहर छोड़ देंगे। बस मुझे एक हफ्ता दो, ठीक है? रॉबर्ट, जरा सुनिए। अच्छा, ये है कैप्टन विलियम विल्डर, रॉबरी डिवीजन से। तुम हो फ्रैंकी? मेरे पास वैसे ही पेरोल पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं, तुम्हारी क्या जरूरत? कैप्टन के पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। देखिए मिस्टर बेलमोंटे, मेरी पत्नी को एक नया किचन चाहिए, मेरे बेटों को बेसमेंट में एंटरटेनमेंट रूम चाहिए और मेरा पर्सनल बाथरूम ऐसा हो जहां मेरी पत्नी मेरे टंगे हुए कपड़े ना देख पाए। एक बात बताओ,
क्या तुम्हें मैं इंटीरियर डेकोरेटर लगता हूं? नहीं। तो तुम्हारी बीवी के कपड़े बाथरूम में लटक रहे हैं या नहीं, इससे मुझे क्या? इन्फॉर्मेशन। बॉब मेरी बात सुनो, देखो हो सकता है तुम उसकी कीमत चुकाओगे मिस्टर बेलमॉन्ट, और जिसने तुम्हारी सेफ को चुराया उसके बदले थोड़ा सा बोनस भी। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए मिस्टर पुलिस कैप्टन, वरना तुम्हारे ही इलाके में तुम खुद गायब हो जाओगे। रॉबर्ट। हाँ। वो इंसान पुराना चोर है जो बहुत ही पहुंचा हुआ इंसान है, मंजिल पर रहता है। तुम्हारी सेफ से चोरी होने के बाद लियो मेरे पास आया और मैंने बिल्कुल धीरे से उसकी जानकारी निकाली कि वो डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में रहता है। क्या तुम्हें उसका पता चाहिए? तुम्हारी बीवी को किस तरह का किचन चाहिए? पैसे कहां पर है? पता नहीं, कसम से मुझे पता नहीं। तलाश लो इसकी। कैटलिस्ट जिसकी वजह से तुम जहन्नुम में आए। जहन्नुम कहना थोड़ा ज्यादा होगा। तो तुम इसे क्या कहोगे? हाँ, दर्द झेलना। अनुमान लगाना। तुम्हें पता है जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां जाने के बाद क्या होने वाला है यह हमें पता होता है कुछ, वैसी ही फीलिंग अगर उसके लिए कोई वर्ड होता हो तो।
स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखो, स्टीयरिंग व्हील से हथकड़ी लगाओ। जल्दी करो, अब तुम बताओगे मार्टिन बिग का मर्डर किसने किया? मुझे उसका नाम चाहिए। मुझे नहीं पता। मुझे उसका नाम बताओ। चाहो तो मार दो। इस बात पे शक मत करना कि मैं अभी यही तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया तो। रॉबर्ट बेलमॉन्ट, छोड़ो मुझे, चाबी दो। रॉबर्ट बेलमॉन्ट, एक बहुत बड़ा कमीना और बिजनेसमैन, उसे ट्रैक करना मुश्किल नहीं था। मैंने रात को ड्राइवर की नौकरी करनी शुरू कर दी, उसे यहां से वहां ले जाता था, उसके रूटीन का पता किया। एक रात मैंने उसे उसकी मिस्ट्रेस के घर से पिकअप किया। मैं उसका वेट करते करते एक आध ड्रिंक ले लिया करता था, फिर एक रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। ये हुई ना बात। मॉर्निंग सनशाइन, मुझे लगा ड्रिंक में कुछ ज्यादा मिला दिया। मेरे हाथ खोल, फिर बताता हूं तुझे। बदतमीजी मत करो। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अब मेरे हाथ खोलो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वाह वाह वाह, तुम में हिम्मत है यार, तुम्हें मानना पड़ेगा। एक बात बताऊं, जिस किस्म के लड़के की मुझे तलाश थी, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकेगा वो तुम लगते हो। इसमें हंसने वाली कौन सी बात? तुम अकेले हो, कुर्सी से बंधे हो, तुम्हें ये कहां से लग गया कि तुम मेरे साथ कोई भी डील करने की पोजीशन में हो? अच्छा, मेरे हाथ खोलो और यहां से चलते बनो, हम इस किस्से को भूल जाएंगे। तुम बात को समझ नहीं रहे बॉबी, तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान नहीं ली है। कितने चाहिए? इसका क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारा ड्रिंक का टेस्ट काफी अच्छा। कितने है? कितने चाहिए? होश में रहो बॉबी बॉय, होश में रहो। दस लाख? ये तुम्हें याद होगी है ना, बेशरम नालायक, ये मेरे पार्टनर का है। वो नहीं जानता था कि पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हें उस बात को जाने देना चाहिए था। तुम्हारा पार्टनर एक धोखेबाज इंसान था, समझे? उसने मुझसे पैसे चुराए, मैं और क्या करता, हाँ? उसकी पीठ थपथपाता। अरे छोड़ो, ठीक है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो बाब, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने मेरे दोस्त को तकलीफ पहुंचाई, तुमने उसे तकलीफ दी और उसे एक कुत्ते की मौत मार डाला। ये माटी के लिए है। मैंने उस नीच इंसान को जहन्नम की एक झलक दिखाई। बेलमॉन्ट को वही मिला जिसका वो हकदार था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं डॉक्टर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने सिर्फ एक एग्जीक्यूशन किया। इन दोनों में फर्क है। बकवास है,
मुझे तुम पर यकीन नहीं, ना ही तुम्हें है। तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो, लेकिन किसके लिए बोलती हो? हाँ, क्या तुम मेरे लिए बोल सकती हो? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। टॉक, जब मेरा वक्त आएगा तो क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? उस वक्त जब वो पहली सुई मेरे अंदर घुसेगी और मेरी नसें नम हो जाएंगी, तब मुझे देखोगी? क्या तुम मेरी तरफ देखोगी या मुंह फेर कर चली जाओगी? जब दूसरी सुई मेरे फेफड़ों को रोक देगी, आगे की जानकारी के लिए क्या अपने नोटपैड पर कुछ लिखोगी? और जब तीसरी सुई मेरे दिल के धड़कन को रोकेगी और वो मेरे शरीर को मरा हुआ डिक्लेयर करेंगे, तब मेरी मौत पर मातम मनाओगी? ऐसा करोगी तुम, या तुम खुश होगी क्योंकि तुम्हारे देश का लॉ जीत जाएगा? दोनों ही नहीं। तुमने किसी को मरते हुए देखा है डॉक्टर? क्या तुमने देखा है जब किसी की आंखें बंद होने लगती हों और वो अपनी जान गंवा बैठा हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है। ये तुम्हारे बारे में ही है। आज का पूरा दिन तुम्हारा ही रहा है। तुम्हारा ये घटिया रवैया मेरे साथ नहीं चलेगा डॉक्टर। ये मेरे बारे में नहीं है। मुझे जरा भी मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये तुम्हारे बारे में है। भाड़ में जाए तुम्हारे सवाल, भाड़ में जा तुम। बस हो गया, मैं ये खेल तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता। जब मैं कहूंगी तभी तुम्हारा काम खत्म होगा, समझे तुम? सारे सबूत आग में जला देने चाहिए थे, इसीलिए मुझे लगा कि शहर छोड़कर जाने का वक्त आ गया है। तुम्हें पता है ये जगह किसकी है? मिस्टर चार्ली रोज। कीप द चेंज। मुझे मार्टी के टेक्सास ट्रेवल बुक में ये पता मिला। और तभी वो वहां आई। मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। गुड इवनिंग। हेलो बिली, कोई मुझसे मिलने आया है क्या? वो रहा वहां पर। तुम कितने प्यारे हो। I'm sorry, क्या हम मिल चुके? Not exactly. Olivia. Jackson Che. Oh, हाँ. Martin Big, हम दोनों का दोस्त था। Oh, don't worry, मैं पुलिस से नहीं हूँ। लेकिन तुमने मोंटी के साथ एक बड़ा काम किया है। किसने कहा कि वो मैंने किया? ओ, मेरे भी कुछ सोर्सेस हैं। मुझे कोई फॉलो करे ये पसंद नहीं। ठीक है। मेरे साथ डांस करोगी? मैं जानता था तुम कॉप नहीं हो सकती। They don't come for the ones.
मैं मार्टिन को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे पापा उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे डैड कौन है? चार्ली रोज। तुम्हारी तरह वो भी बिजनेसमैन है। किस तरह का बिजनेस? एक्विजिशंस। तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ मिलूंगा? तुमने ये जगह देखी है? कोई भी यहाँ नया आता है मुझे पता चल जाता है। और लिटिल बिली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बाहर चलना चाहते हो? चले कहीं बाहर? चलो चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हे डैडी। वेल, मेरी बेटी अब तक जाग रही है। डैड, जैक से मिलिए। जैक, चार्ली से मिलो। मिस्टर रोज, मार्टी ने कभी कहा नहीं कि तुम इतनी जल्दी शहर छोड़ के भाग जाते हो। क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम प्रॉब्लम ना खड़ी करो तो। तुम दोनों ने मिलकर तो कुछ नहीं किया है ना? ओह डैडी। ओह कम ऑन, मैं बस मजाक कर रहा था। चलो यहाँ आओ और हमसे थोड़ी बातें करो। हाँ लेडीज, तुम लोग अंदर जाकर थोड़ा ठंडा हो लो। क्यों? ओह बेबी। हेल। यस सर। पूल से बाहर निकलो अभी। यू नो, मुझे जवानों की फुर्ती बहुत पसंद है। तुम्हें बियर चाहिए? देखिए मिस्टर रोज, मैं सिर्फ इसलिए टेक्सास आया हूँ क्योंकि मार्टी ने बताया था कि उनका यहाँ एक दोस्त रहता है। मार्टी बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन बिल्कुल शक्की इंसान था। अब देखने से लगता है तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन जो अंदर है उससे मुझे एतराज है। गर्म होने पर तुम कहीं अपना आपा तो नहीं खो देते? लो प्रोफाइल रखना जरूरी है। पूरी जिंदगी मुझे एक पार्किंग टिकट के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं सिर्फ बाहर के काम लेता हूँ और जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई गड़बड़ नहीं करता, समझे? अगर तुम्हें समझ आ गया हो तो मैं अपना पूरा साल एक ही प्रोजेक्ट पर बिताता हूँ, लेकिन पैसा भी हिसाब से लेता हूँ। और मैं डील तब तक नहीं करता जब तक मुझे 50 मिलियन US डॉलर नहीं मिलते। मेरा एक क्रू है और मैं इंचार्ज बदलता रहता हूँ। ओलिविया मेरे लिए कभी कभी दूसरा इंसान बनकर आती है, मतलब जब गड़बड़ नहीं कर रही होती। मैं किसी अनलिस्टेड टेक्सस के बंदे को हायर नहीं करता, मुझे उन पर विश्वास नहीं। पर मार्टी मेरे भाई जैसा था, समझे? इसका मतलब मुझे खुद को साबित नहीं करना, पर तुम्हें खुद को साबित करना होगा। क्या ख्याल है नीली आंखों वाले? हम काम कब शुरू करेंगे? 75 मिलियन कैसे रहेंगे?
गुड आफ्टरनून मिस्टर मिसेस ब्लैंकोविट्स, कैसे हैं आप आज? बहुत अच्छे, शुक्रिया। मिस्टर बीकर आपके लिए तैयार हैं। फ्लिन आपको ऊपर ले जाएगा। मेरे पीछे आइए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू। साइमन बीकर सबसे बड़े बैंक का मैनेजर था जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था। बीकर ओवरसीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखता था, पैसे कहां और कैसे आ जा रहे हैं। उसमें से बीकर के पास कुछ नहीं आया। मिस्टर बीकर, आपके क्लाइंट्स आए हैं। हाय। हाय, गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हम मिस्टर रोज के इंटरेस्ट के बारे में बात करने आए हैं। यस मिस्टर पार्कर। शेरी, पॉल को अंदर भेज सकती हो प्लीज? जी मिस्टर पार्कर। मैं मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। टाइमलाइन आगे चली गई। तो मिस्टर बीकर, हम जानते हैं वॉल्ट के कोड हर रोज बदलते हैं। आपके आदमी अगर रात के 11 बजे आते हैं, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद में, तो हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे। तो मिस्टर बीकर, हम जानते हैं कि इस वॉल्ट में 7.5 करोड़ के बॉन्ड्स हैं, सही कहा ना? ये तो बहुत बड़ी रकम है। इस बार मैं लीड कर रही हूँ। नहीं मैडम, आप नहीं कर रही। जी हाँ सर, मैं ही कर रही हूँ। माफ करना मैडम, लेकिन आप नहीं करोगी। डैडी। ओके, तुम्हें डील को लीड करना है मैडम, तुम हाल को ले जाओ। ठीक है बॉस, मैं इनका अच्छा ख्याल रखूंगा। नहीं, मैं हाल के साथ नहीं जाऊंगी। डील फाइनल करें। मिस्टर रोज का कट $1 पर 10% होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ, फिर ठीक है। ठीक है फिर, ये डील करके अच्छा लगा। ओके, डील हैल नहीं करेगा। चीयर्स। चीयर्स। मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगा कि पहली बार ऊपर वाले ने मेरे ऊपर कृपा दिखाई थी। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I love you so much. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ बोलो। एक काम है मुझे। एक ड्राइवर की जरूरत है। मैं ड्राइव कर सकता हूँ। कितना दोगे? वही हमेशा जितना। कितने बजे पहुँचना है? वो मैं बताऊँगा। अपना फोन ऑन रखना, कॉल करूँगा मैं तुम्हें। काम हो गया। कभी कभी ट्रेनिंग व्हील पहनना जरूरी होता है, उन्हें अकेले जाना हो तब भी। हमने उस जगह को देख लिया। हमारे पास ब्लूप्रिंट्स थे, गार्ड का स्केड्यूल, और चार्ली ने सिक्योरिटी सिस्टम का डुप्लीकेट बनाकर मुझे प्रैक्टिस करवाई थी। हमने सब अच्छी तरह कवर किया था। ओके। Okay.
वो फ्यूनरल के लिए तैयार हुए थे। तुम अपने दोस्तों के साथ आए हो लेकिन कोड लाए हो। हम इसीलिए यहाँ आए हैं जैक। तो चलो काम शुरू करें। हे, स्कैनर पर नजर रखना, ठीक है? ध्यान रहे एग्जिट सील हो। ये बीकर का प्राइवेट फ्लोर है, यहां कोई कैमरा नहीं। ये लो, हो गया। बीकर ने वोल्ट की सिक्योरिटी कैमरा को लूप में डाला है। बहुत अच्छे, हमारे पास एक घंटा है, फिर बीकर अपना कट लेने पहुंच जाएगा। कोट्स येलो। अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो पुलिस बाहर हमारा इंतजार करेगी। सुनिए मैडम, मैंने ये बीकर से लिए हैं, उसने बताया बिल्कुल वैसे ही नंबर्स लिखे हैं। प्रेशर से चीजें बदल सकती हैं। इंसान एक की जगह कभी कभी छह लिख सकता है। बीकर नहीं, वो तो बहुत शांत है। तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारी बातचीत हो गई हो तो काम करें। तुम इससे अच्छा कर सकती थी। ये क्या हो रहा है? हम किस लिए रुके हैं? अलार्म सिंक्रोनाइज हो रहा है, अलग अलग स्टेज पर कोड डिसाइफर हो रहे हैं, हर स्टेज का रंग अलग है। हम किसकी राह देख रहे हैं? इसकी। बीकर वहां वैन में है, हम वहीं पर बॉन्ड्स बांटेंगे। यू नो, मुझे एक चीज खटक रही है, बीकर खुद को रिस्क में डालकर यहां खुद क्यों आएगा? बताता हूं, जैक। ओ जैक, तुम वहां हो बेटे? सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारी वाइफ ने कहा कि उसे मेरे साथ वक्त बिताना है, तुम्हें चलेगा? मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूं, तुम मुझे वो दो जो मेरा है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं करने वाला था। अच्छा, तो क्या करने वाले थे? हम दोनों को मारकर बॉन्ड्स लेने वाले थे। सही पहचाना। यहां से निकलो। नाइस शॉट जैक, लेकिन बहुत बुरा हुआ क्योंकि गोली मुझे नहीं लगी। पैसे उसे क्यों मिलने चाहिए? तुम और मैं, हम दोनों पैसे बांट लेते हैं, 50-50, कैसा रहेगा? बिल्कुल बकवास रहेगा।
ए जैक, मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी महबूबा के साथ मजे करूंगा। जो मेरा है मुझे दे दो। अरे नहीं, तुम सुनो, सुनाई दे रहा है, हम दोनों जेल में सड़ने वाले हैं। मुझे पता है तुम किसी के पीठ पीछे गोली नहीं चलाओगे। गलत फहमी। हे, अपने हाथ पीछे करो। हे, तुम जाके इसको हथकड़ी बांधो और मेरे पीछे रहो। मार्गरेट, फिर से यही बात मत करो। उन बंदों को बोल दो गैराज में सीढ़ी है, नहीं तो हम उनकी सीढ़ी किराए पर ले लेंगे, क्योंकि वो किराए लगाएंगे और हम माले पर चढ़ जाएंगे। और उन्हें ये मत बताना कि हमारा इंश्योरेंस है। नहीं, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, घर पहुंचकर बात करता हूं। सर, आप कैसे हैं? सर, मैं ठीक हूं। आपके क्लाइंट का काम करने के लिए थैंक यू, लेकिन आपका काम हो गया है। शुक्रिया। मुझे बैरिस्टर शब्द सुनना बहुत पसंद है और आपका जॉब अमेरिका में सबसे अच्छा है जब आप जज बनते हैं, क्योंकि आप हर रोज सही करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया वार्डन। गुड डे सर। देखा, ये मेरा काम है और तुम्हारा काम है स्पाइडरमैन बनना और दूसरी मंजिल पर चढ़कर गलत चीजें करना। और तुम पकड़े गए। तुम्हें पानी गर्म चाहिए या ठंडा? उतार दो पूरा आगे का हिस्सा। वेरी गुड, ठीक है, तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे देखकर हमें कोई ताज्जुब नहीं है। हेलो बेटे, आज आप कैसे हैं? सर, गुड। और आप? वेरी गुड। Hey! इससे कुछ नहीं हुआ। शायद तुम बेशरम हो तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए और मुड़कर उसके आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए। अब जल्दी से खड़े होकर मुड़ जाओ और आंखों में आंखें डालकर देखो। ये हुई ना बात। तुम्हें पता है मुझे तुमसे क्या चाहिए? तुम्हारा ध्यान। और मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखूंगा तभी मुझे वो चाहिए होगा। तुम्हें हमारी फाइन फैसिलिटी कैसी लगी? उम्मीद है ये तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। तुम्हें जैसी अच्छी लगती है वैसी है, या इससे बेहतर कहीं देखी है? या तुम्हें अंडरग्राउंड एक होल में रहना ज्यादा पसंद है? तुम्हें सुनाई दे रहा है?
क्योंकि तुम्हें मेरी बात को सुनना जरूरी है। जब भी मैंने तुम्हारे चेहरे को देखा, मेरे ऑफिस में भी, तुमने कभी मुझसे नजरें नहीं हटाई। मैं इतना अच्छा भी नहीं दिखता। तुम हमेशा मेरी तरफ इस तरह देखते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डरता नहीं हूं। मेरी बात समझ गए तुम? तुम चाहे कितने भी बुरे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एग्जीक्यूशन करने वाले जितने बुरे नहीं हो। चिकने, नहाने में मजा आ रहा है? तुझे पता यहाँ क्या हो रहा है? पता यहाँ क्या हो रहा है तुझे? तुम यहाँ मौज करने के लिए आए हैं? मौज करेंगे? आजा भाई। ऐसे काम में मैं चलो माय। अब तुझे मजा आएगा कमीने। तुम बहुत कुछ कर चुके हो बेटे। मैं तुम्हें क्या कहूं? मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे बुरे लोग पसंद हैं, क्योंकि उन्हें बुरा नहीं बनना होता है। और बहुत लोगों को लगता है कि मैं बुरा हूं, हम लोग बुरे हैं। और मुझे क्रिमिनल्स पसंद हैं, अपने काम में प्रोफेशनल हैं,
क्योंकि वो एथलेटिक होगा, बहुत ज्यादा तेज। वो सोचता है अगर तुम ये सारी बुरी चीजें जोड़ते हो तो तुम सोचोगे कि हम एक साथ अच्छे से क्यों नहीं रहते, एक दूसरे से मिलजुल कर क्यों नहीं रहते। आप कहना क्या चाहते हैं वार्डन? तुम्हें क्रिमिनल और लॉ के आदमी के बीच का फर्क पता है? मैं बताता हूं। एक फ्री में रहता है, 3 टाइम का खाना और बिस्तर मिलता है, दूसरे को किराया देने के भी पैसे नहीं होते, और हमारे अंकल जो ईस्ट कोस्ट में रहते हैं वो मेरे जैसे लोगों को कुछ नहीं देते। अब मैं रिटायर होने की सोच रहा हूं और मेरी 3 बेटियां हैं, तो सोचो कितना खर्चा होगा। आपको पता है क्रिमिनल और लॉ वालों के बीच का असली फर्क क्या होता है वार्डन? बताओ। कि वो सलाखों के दूसरी तरफ होते हैं। तुम होशियार हो, ऐसे दिमाग के साथ तुम्हें ऐसे इंस्टीट्यूशन के आसपास नहीं होना चाहिए। तुम्हें पूरी जिंदगी यहां रहना है या बाहर निकलना है? तुम चाहते हो तुम्हारी औरत इस जेल के बाहर घूमती रहे, तुम्हारी नजरों से दूर, तुम्हारी देखरेख के बिना? मुझे नहीं लगता। अब तुम्हारे मन में तुमने क्या सोचा है, बाहर रहना है या अंदर रहना है? क्योंकि हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम एक डील करते हैं और तुम बाहर घूम सकते हो और मैं वार्डन की नौकरी छोड़ देता हूं। अगर तुम मेरे साथ यह डील करोगे तो मुझसे हाथ मिलाओ। डील? वार्डन का कहना बहुत आसान था। किसी कमीने ने बॉर्डर पर होने वाली ड्रग डील के बारे में जानकारी लीक की। मैं कैश लेकर जाता तो उसके हाथ साफ रहने वाले थे, और उसके बदले में मैं जेल से आसानी से बाहर निकल सकता था। मेरे पास नए नाम के साथ दूसरी जिंदगी जीने का मौका था, और मेरे लिए लकी बात यह थी कि एक सुंदर लड़की मेरी राह देख रही थी। तुम ठीक हो? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। हम यहां से भाग सकते हैं, एक नई शुरुआत करेंगे। हमें कहीं और भी यही करना पड़ेगा। हेलो। हाँ, अभी वो दोनों मेरे साथ में ही हैं। उसके साथ बने रहो, समझ गए? ठीक है। उतने कमाल के शूटर होने चाहिए जितना तुम कह रहे थे। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अपना सामान लेकर तैयार रहो। मार दिया। बाकी लोगों को मारने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था जो जरूरी है वही करो।
ड्रग्स इस डील का हिस्सा नहीं थे। तुम्हारी डील, हमारी नहीं। के साथ बने रहो जब तक डील खत्म नहीं होती। ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, समझ गए? हाँ, समझ गया। वार्डन के आदमियों ने ड्रग्स लिए लेकिन सारे पैसे मैंने रखे। वो मुझसे सुबह होटल में मिलने वाले थे, पैसे और नई जिंदगी की लेन देन के लिए। सुबह हम ये पैसे मॉर्टन को देंगे और हमारा काम खत्म। मुझे नहीं पता, कुछ तो अजीब लग रहा है। प्रॉमिस करो ये आखिरी केस होगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। सिर्फ एक शर्त पर। तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी। इसे ट्राई करो। फिट हो रही है, कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है। दिखाओ कि लाइट में कैसी दिखती है। चमक रही है। तुम्हारी आंखों की तरह चमक रही है। बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है। तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। जब ये सब हो जाएगा हमारे पास एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत पैसे होंगे, घर होगा, हमारे दो बच्चे होंगे। मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, पोस्टमैन बन जाऊंगा, कोई भी आम नौकरी कर लूंगा और जब सुबह उठूंगा तो तुम साथ होगी। मुझे यही उम्मीद है। तुम्हें क्या लगता है बेब? I love you so much. इस बात से मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू बेबी। बेबी नीचे झुको। आंखें खोलो ओलिविया, हम घर लेके। तुम ठीक हो, हमें बहुत कुछ करना है। आई लव यू चक। आई
सोफिया। ऐसी ही रही जिंदगी। ये अच्छा था, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस रहा। और अब हम इसके कारण के कल असली डॉक्टर के साथ मेरी डेट है। तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? मुझे जाते हुए देखने के लिए कोई नहीं रहेगा। खैर, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा अमांडा। तुम भी जैक। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत हरामी है। वो टेररिस्ट सब जवानों को हायर करता है। वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसे देता है। उसके सारे एनालिस्ट चेक करो, उसका आदमी भी फंस गया है। वो लोग पक्का गलती करेंगे, और जब वो करेंगे हम तैयार रहेंगे, हम तैयार रहेंगे। गुड वर्क मिस्टर कार्टराइट, गुड वर्क। जरा एक मिनट दीजिए। थैंक यू सर, कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर टाइलर। ये लीजिए। ये क्या है?
ये सच नहीं हो सकता। हाँ सच में। टेक्सास वर्सेस जॉनसन। ओके। आपने क्लेम किया है कि आपको जान बचानी है डॉक्टर। आपको 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 अच्छी लड़ाई लड़नी है। आपको अपना झंडा लहराना है और आपका लेक्चर सुनकर वो आपको न्याय दें, ये चाहती हैं। लेकिन ये कोई केस स्टडी नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है या किसी को अच्छा साबित करना नहीं है डॉक्टर टाइलर। ये कर्जा चुकाने की बात है और सिर्फ विक्टिम्स के परिवारों को और समाज को ही कर्जा नहीं चुकाना है, गलत को सही करना है, आगे होने वाली गलतियों को रोकना है, मासूमों को बचाना है। और इतने लोगों में से आपको ये समझना चाहिए क्योंकि आपके पति का खून हुआ था। मैंने सही कहा? हाँ आप सही कह रहे हैं, मेरे पति का खून हुआ था। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर इस वक्त इस साइकिल को रोकना और गलत राह पर चलना और टूटे हुए सिस्टम को प्रोटेस्ट करना सबसे अच्छा निर्णय नहीं होगा? सिस्टम टूटा नहीं है डॉक्टर, जब से समाज बना है हम इंसानियत की राह पर चलने की बात कर रहे हैं। लॉ और ऑर्डर, गुनाह और सजा, जैसे को तैसा। अगर ये सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा होता तो हम हमेशा ही हाइपर सेंसिटिविटी में जीते, आपको नहीं लगता? बोलिए डॉक्टर। नहीं, हम इससे आगे बढ़ चुके हैं। ओहो। हमने शुरुआत की जानकारी पर रिएक्ट करना छोड़ दिया है। हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। ओके, जरा देखिए आप किससे बात कर रही हैं। आप यहां बैठकर मुझे बताएंगी कि पढ़ा लिखा इंसान जो 3-पीस सूट पहनता है और जो टेक्सास में बैठा है, अगर वो सड़क पर चले तो उसे क्रिमिनल समझा जाए और उस पर गोली चला सकते हैं? हम बदल गए हैं। मैं इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहूंगा डॉक्टर। ये नाजुक बैलेंस है, कड़ी सजा देंगे तो बगावती बनेगा, ज्यादा बड़ी सजा नहीं देंगे तो ढीठ बनेगा। देखिए, वायलेंस के डर से ही वायलेंस दूर रहेगा। वायलेंस को वायलेंस से जवाब नहीं देंगे तो हम उस डर को दूर कर देते हैं, और हम उस चीज को भी दूर कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम सही तरह से चल रहा है। इसलिए नहीं डॉक्टर, हमारा सिस्टम टूटा नहीं है, हम गलत राह पर नहीं चल रहे। मैं अपना काम समाज के लिए कर रहा हूं, आप यहां हो या ना हो। तो दुख दर्द समझना, करुणा दिखाना और दया का क्या? दया, हम सब एक बोट के टुकड़े हैं डॉक्टर, हम उस बोट के टुकड़े हैं। हाँ, लेकिन गेम के आखिर में किंग और पॉन उसी बॉक्स में वापस जाते हैं। आपको मेरी मदद नहीं करनी, मैं खुद गवर्नर के पास ले जाती हूँ। आपका टाइम खत्म हुआ।
सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जब मैं जाऊंगा तब मुझे देखने कोई नहीं आएगा। Love you so much. वायलेंस, इसका क्या कारण है? वायलेंस के नेचर को ठीक से समझने के लिए हर व्यक्ति के अंदर झांकना होगा। हमें देखना चाहिए किस तरह का वायलेंस हमारे समाज में बढ़ रहा है, और हमें यह भी देखना है कि हम उन्हें क्या सजा देते हैं। क्योंकि जब हम जवाब देते हैं वायलेंस का वायलेंस के साथ और मौत की सजा मौत, तो हम सब उसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। अगर आपके किसी करीबी का मर्डर हो, क्या आप तब भी कहेंगी कि वायलेंस का जवाब वायलेंस ही देना चाहिए? मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं गुस्से में आकर उन्हें मारकर उनकी मौत नहीं चाहूंगी।